क्लोज सर्किट टीवी कैमरे यानी सीसीटीवी की हद तक किसी शहर को सुरक्षित बनाने में मददगार साबित हो सकते हैं। इसकी ताजा मिसाल गुजरात के सूरत शहर में देखने को मिलती है। हीरो के कारोबार के लिए पूरी दुनिया भर में मशहूर शहर सूरत में रोजाना करोड़ों अरबों का व्यापार होता है। सूरत शहर की सुरक्षा पुलिस प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। इतने बड़े शहर पर निगरानी रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे की मदद लेने का फैसला साल 2011 में लिया गया। अब सूरत शहर काफी आधुनिक तकनीक वाले सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में है। सूरत के पुलिस मुख्यालय में एक खास कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां शहर भर में लगे सीसीटीवी कैमरे के इनपुट वीडियो वॉल पर लगातार आते रहते हैं। इस वीडियो वॉल पर 256 कैमरों की तस्वीरें एक साथ देखी जा सकती हैं, और चाहे तो सिर्फ एक कैमरे की तस्वीर भी पूरे वीडियो वॉल पर देखी जा सकती है। सूरत पुलिस के सीसीटीवी नेटवर्क को खास बनाता है 280 स्क्वायर फीट में बना ये वीडियो वाला। आप देख सकते हैं ये वीडियो वाला है जो पुलिस मुख्यालय में लगाई गई है। यहाँ से शहर की हर छोटी बड़ी हरकत पर निगरानी रखी जाती है। इसमें एट ए टाइम 256 कैमरों को हम लोग प्लेस कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। अगर किसी एक कैमरे को देखना है तो बड़ी स्क्रीन पे एक कैमरा भी देखा जा सकता है। सूरत के पुलिस मुख्यालय में बने कंट्रोल रूम में शहर भर के अहम इलाकों में लगी फिक्स मूविंग और मल्टी डायमेंशनल कैमरों की तस्वीरें आती है। पुलिस कंट्रोल रूम में 100 प्रशिक्षित पुलिस वाले 24 घंटे लगातार शहर भर में लगे कैमरों से आ रही तस्वीरों पर नजर रखते हैं। सूरत शहर में 5000 कैमरे लगाने की योजना है। पहले फेज में 104 कैमरे लगाए जा चुके हैं। उम्मीद है कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में करीब 1000 कैमरे। सीसीटीवी कैमरे खराब हो जाएं या इसके साथ कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश करे तो इसका पता तुरंत चल जाता है, क्योंकि इस सिस्टम को चलाने के लिए जिस कंपनी की सेवा ली गई है उसने इस सर्विस को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ दिया है और ऐसे सॉफ्टवेयर इसमें लगे हैं जिससे कैमरे के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ कंट्रोल रूम में लगी मशीन बता देती है। हमारे जो कैमरे लगे हुए हैं वो सभी वैंडल प्रूफ हैं, टेम्पर प्रूफ हैं। अगर कोई टेम्पर करने की कोशिश करता है या कैमरे के एंगल्स चेंज करने की कोशिश करता है या उसके ऊपर कोई कपड़ा डालने की कोशिश करता है तो इमीडिएटली यहाँ कंट्रोल रूम में जिस कैमरे के साथ ये हरकत होती है उसका अलार्म बजता है। वो कैमरा यहाँ का जो इंचार्ज है उनको पता चल जाता है कि इस कैमरे के साथ किसी ने छेड़छाड़ की है, तो इमीडिएटली फिर उसको हम लोग आदमी भेज के रेक्टिफाई भी कराते हैं। सूरत शहर में लगे सीसीटीवी कैमरे इसराइल की कंपनी से मंगवाए गए हैं। इन कैमरों की खासियत यह है कि इससे रात में भी काफी साफ तस्वीरें आती हैं। इन कैमरों को पुलिस कंट्रोल रूम से ही जूम इन जूम आउट किया जा सकता है। कैमरे की दिशा बदली जा सकती है। सूरत शहर में लगे इस कैमरे की खासियत यह है कि अगर इसकी नजर में कोई ऐसा संदिग्ध आता है जिसकी तस्वीर कंट्रोल रूम में लगे सिस्टम में मौजूद है तो ये अलार्म बजाकर इस बात की जानकारी दे सकता है कि ये व्यक्ति किस इलाके में नजर आया है। इसमें जो एनालिटिक्स है, इसमें मेन जो हमें फेस रिकॉग्निशन वीडियो एनालिटिक्स हो रहा है, उसमें अगर हमारे सिस्टम में जो सस्पेक्ट्स हैं उनके फोटोग्राफ्स होंगे और वैसा कोई सस्पेक्ट कैमरे की रेंज में घूमता हुआ नजर आएगा तो कैमरा ऑटोमेटिकली उसको डिटेक्ट करके कंट्रोल रूम में सिग्नल देगा कि आदमी इस जगह पर घूम रहा है।